so once again again very good evening to 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 all of of you welcome back to again today's maths maths class today we are going to start your new chapter of maths, that is 10M10, I can say circles आप सबसे पहले मार्क कर लेते हो कि सर इसमें deleted पोर्शन कौन सा है हाँ या ना कि सर ये पोर्शन deleted है तो ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है ओके नाउ रोशनी इज हियर सो वेलकम बैक रोशनी चलो तो हाँ देखो सब कितने खुशी से बोलने लगे हाँ सर हाँ हम पहले मार्क कर लेते हैं कि कौन सा डिलीटेड पोर्शन है तो क्विकली बोलो कि कौन सा पोर्शन है यहाँ पे सर्कल में क्या क्या आपको नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है नोट डिलीशन यस तो आज तो बहुत दुखी होंगे आप लोग कि सर्कल में कुछ डिलीशन नहीं है हमें पूरा का पूरा पढ़ना है सो so, सर्कल के ऊपर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले अभी तक आप क्या जानते हो सो फर्स्ट योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल जो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है बट यू शुड नो यू मस्ट नो दैट सर्कल इज योर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन टू डी नॉट इन थ्री डी क्योंकि थ्री में करोगे तो आपका स्पीयर बन जाएगा विच आर रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या है रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसमें दिशा टिग्नोमेट्रिक रेशियो में टिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा रेशियो ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सर्कल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ओके okay? उसके बाद आप सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़े थे जैसे आपका कॉर्ड हो गया है वो सारी चीजें हो गई तो सर्कल में सबसे पहले आप पढ़े थे कॉर्ड कि सर्कल में अगर आप कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो तो वो दो पॉइंट को कनेक्ट करती हुई लाइन सेगमेंट आपका हो जाएगा कॉर्ड कॉर्ड के साथ एक और चीज पढ़े थे आपको याद है ओके okay. अगर दो पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ कोई करती हुई कोई लाइन सेगमेंट है दैट इज योर कॉर्ड बट इसी को अगर मैं लाइन के फॉर्म में इंटरसेक्ट कर दू तो ये आपका क्या हो जाएगा हाँ अरे नो प्रॉब्लम दिशा इसमें क्या है ओके सो टेंशन नहीं होगा कुछ भी मत बोलू टेंशन तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है यस सेकंड वेरी गुड सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकंड कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है सेकंड की डेफिनेशन क्या है लाइन सेगमेंट गमेंट एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल आई राइट ऐसे लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे हैं, बोलो हाँ कान शो सम एनर्जी आपका दो के का सर हाँ आराम से सिंह तो आराम से आराम से बस हाँ एक बार ज्यादा नहीं यस yes. प्रियांशु दीपांशु हर्षन संजना समरणिका अभिलाष सुहान साई संतोष जयबा जैन कि आपने भी शायद एक दो बार ही ऑन रखा था यस जोएल जोएल ने भी एक ही बार सिर्फ ग्रेट चलो सेकंड सो व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ सेकंड सेकंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी लाइन सेगमेंट की जगह लाइन लाइन ज्वाइनिंग लाइन कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल यस और लाइन पासिंग थ्रू सर्कल चलो ये आपका हो गया सर्कल अब मुझे ये बताओ ठीक है वो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी इतना ठीक है फिर उसके बाद आप डायमीटर के बारे में पढ़े हो रेडियस के बारे में लिख रहे थे जब मैं आपको सर्कल के डेफिनेशन पूछ रहा था यस मौर्यर्धन कैन यू टेल मी डायमीटर क्विकली ये सब आपका रिविजन चल रहा है दिस इज यस वेरी गुड जोएल लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड लॉन्गेस्ट पास थ्रू सेंटर है दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल और नॉट इजेंट इट योर सेंटर ऑफ सर्कल एंड जो इक्वी डिस्टेंट है दिस इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ सर्कल ओके तो so, अगर ये आपके सेंटर ऑफ सर्कल में से पास हो रहा है दिस इज योर डायमीटर दिस इज सेंटर दिस इज डायमीटर दिस इज रेडियस दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ग्रेट डायमीटर हो गया रेडियस हो गया और हम क्या क्या पढ़े थे अभी हाँ आप जब माइनर सेगमेंट एंड माइनर सेक्टर की बात कर रहे हो तो क्लास नाइन में हमने सब कुछ पढ़ लिया था सर्कल का बोलो दैट इज व्हाट इज सेक्टर सेगमेंट ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली थी क्विकली उसको बस हम डायरेक्ट फिगर में याद करेंगे उसके डेफिनेशन के हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है okay, yes agree, चलो. याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला भी हम तुरंत याद कर सकते हैं नो नीड इन दैट तो व्हाट इज द नॉर्मल वे याद रखने का क्या तरीका है आप कैसे याद रखोगे अगर मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ या सेगमेंट की बात कर रहा हूँ सो हाउ कैन यू रिमेंबर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ओके यस रेनू का मी सेक्टर आप कैसे डिफाइन करोगे कुछ भी अपने वर्ड्स में सेक्टर कैसा दिखता है जो रियल लाइफ में आपने कहीं पे देखा हो समथिंग और यू कैन गिव मी या नॉर्मल एग्जाम्पल यस मौर्य वर्धन जो पुराने स्टूडेंट्स को कुछ भी याद हो यस शांति यस निक दो पिज्जा राइट सेक्टर इज नथिंग बट योर पिज्जा ओनली हा या ना जो अभी लॉकडाउन में आप बहुत मिस कर रहे थे या स्टार्टिंग में घर पे बनवा रहे थे मम्मी से हर रोज जैसे नए नए स्टेटस डालते थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ये सात महीने पहले की बात है एंड हम डालते थे आज लॉकडाउन स्पेशल डिश पिजा होम मेड पिज्जा हाँ yes. इस टेलिंग yes, तो दिस इज नथिंग बट योर सेक्टर ना एंड घर पे जब हम झगड़ा करते थे मैं मेरे भाई मैं बस एक छोटा सा एक टुकड़ा उठाती थी फिर भाई पूरा पिज्जा उठा के भाग जाता था एम आई राइट नहीं सर हमारे में उल्टा था भाई छोटा पिज्जा उठाता था दूसरा में उठा के भाग जाती थी

Is this एवरी वन माइनर एंड segment सेक्टर नेक्स्ट सेगमेंट सेगमेंट कैसे याद रखा था पापड़ एम आई राइट हा या ना? This is your pizza and य सर आप ऐसे खाने वाली चीजों के नाम मत लिया करो एक तो ऑलरेडी हम भूखे पेट बैठते हैं क्लास के लिए आपको पता ही हमें कितनी भूख लगती है हम पेन खा जाते हैं हम ईयरफोन खा जाते हैं अब आप ऐसे नाम लोगे तो फिर हम कैसे बैठ पाएंगे एम आई राइट अच्छा ये नहीं बोलते मैं बोलता हूँ कि आपकी एग्जाम में फार्मूला बुक से रिवीजन चल रहा है नहीं सर वो तो मुझे भूख लगी थी तो मैं खा गया फार्मूला बुक रेगुलर बुक तो नहीं खाते ना कभी एवरीवन सो दिस इज आवर माइनर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट इज दिस क्लियर एवरीवन यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री यस ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं चाहिए अभी अभी बस नॉर्मल क्योंकि डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछना सो दिस वाज नथिंग बट योर रिविजन ऑफ क्लास नाइन इसकी हमने बहुत सारी फॉर्मुला भी देखी थी बट अगर वो अभी आपने क्लास नाइन में ही छोड़ दी है चलेगा नो no प्रॉब्लम अभी क्लास टेन में हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड योर टेंजेंट ऑफ सर्कल तो पहले हमने ये याद कर लिया कि हम क्या जानते हैं सर्कल के बारे में Now let us see what we do we know about tangent of circle. चलो yeah what do we learn to know tangent of circle? Okay. आप जब छोटे थे या इवन अभी आप सिंचैन और ये सब कार्टून देखते थे डोरेम ऑन वाइट या हम अभी भी देखते हैं नाम का कोई कार्टून देखते थे हाँ। अभी पूरी एनर्जी दिखी इसके लिए कार्टून का नाम लेके अभी मुझे एनर्जी बोलना ही नहीं पड़ता अभी दो के जी के अब तो पूरा दस के जी पूरा सिर हाथ सब घुमान लगेंगे सर थ्री टू वन इट ट्रिप अभी बोलो तो अभी शुरू कर दे बेब्लेट लाके हाँ देखो हाँ हाँ सर माय ब्रदर यूज टू वॉच एक स्टूडेंट तो बोल रहे सर चार स्टूडेंट भी चारों के चारों सीजन मैंने देख लिए हैं वाह अभी नाम पूछूंगा चारों सीजन के तो चारों सीजन के नाम भी बता दूंगी मेरे एक थर्ड सीजन का नाम ट्रिप था एंड फोर्थ सीजन का जी रिवोल्यूशन ये दोनों मुझे नाम याद है बस क्योंकि वो मैंने थोड़े बहुत दिखी थी सो so, बेबलेट क्यों आपको याद करा रहा हूँ अभी हाँ वन स्टूडेंट इज टेलिंग हिंदी वर्जन चक्कर दे टक्कर है ऐसा नाम था चक्कर दे टक्कर तो वो आप जो भी करो उसमें एक्जैक्टली exactly आप क्या करते थे समझना राइट सपोज दिस इज योर बे ब्लेड अगर मैं उसका यहाँ पे समथिंग ऐसा दिखता था एम आई राइट एवरी वन राइट यहाँ पे आपके स्विचेस uh, होते थे जो उससे उसके साथ कनेक्ट होते थे एम आई राइट एवरी वन फिर वो बे ब्लेड को uh, जो उसका लॉन्चर होता था ओके okay. सर इतने टेक्निकल वर्ड्स तो हमने कभी यूज ही नहीं किया हम बस लेके आते थे हम खेलते रहते थे हमें पता ही नहीं था उसे लॉन्चर भी बोलते हैं तो ये जो भी उसका लॉन्चर होता था स्टूडेंट्स जो इधर आप लेफ्ट हैंड में पकड़ते थे एंड राइट हैंड से अब के अंदर एक ऐसे गोल गोल घूमने वाला कुछ होता था एम आई राइट राइट एंड यहाँ पे आप वो वायर इंसर्ट करते थे यहाँ पे आपका हो गया वायर राइट समथिंग फिगर पे मत जाओ थोड़ा समझ जाओ ऐसा कुछ होता था एंड ये वायर में इधर इधर होते थे आपके स्लॉट्स And ये चक्कर में होते थे स्लॉट्स तो फंस जाते थे परिपराइट right? अब एक्जेक्टली वहां पर आप क्या करते थे समझना इंग्लिश so exactly uh, uh, में क्या कहते हैं इनिशियली uh, गांव में पहले ये यूज होते थे रस्सी से रस्सी बांध के हम उसे गोल uh, uh, फेंकते थे uh, Bhamardu, ऐसा समथिंग हम बोलते थे हमारे रीजियन लैंग्वेज में तो, हाँ लट्टू हिंदी में लट्टू यस यो 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 एक यो यो भी होता था यस वन ऑफ द स्टूडेंट इज टेलिंग आई हैव ग्रेट तो यस एक यो -यो भी आपका आता था यो यो याद है एवरी वन भी बोलेंगे यो यो हनी सिंह वो नहीं भाई खेलने वाला तो वो समथिंग आपका ऐसा गोल गोल होता था एंड उसमें ऐसा रस्सी अंदर से बांधी होती थी एंड उसे आप छोड़ के बस अप डाउन अप खेल सकते हो सो so, ये सारे आपके लाइव एग्जाम्पल हैं टेंजन के नहीं आप बोलेंगे कि बस सर तो सर को तो पढ़ाना है नहीं मस्ती मजाक में कुछ भी शुरू कर देते हैं स्टूडेंट्स ये सब आप करते थे आपको पता नहीं है दिस ऑल आर योर एग्जाम्पल ऑफ टेंजन दिस ऑल एवरीथिंग इज एप्लीकेशन ऑफ ओके यहां पे जो आपका ये एग्जैक्टली exactly एग्जाम्पल था दिस इज कॉल्ड इन मैकेनिकल टर्म्स रैक एंड पिनियन गियर अगर किसी में से आपके पापा मम्मी पापा uh, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो वो आपको क्लियरली बताएंगे दिस इज योर रैक एंड पिनियन गियर एंड ये रैक एंड पिनियन गियर आपका सभी जगह पे यूज होता है जो मेरा मैकेनिकल का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था पावर जनरेशन उसमें मैंने सेम यही वाले गियर यूज किए तो दिस इज अब इसमें क्या होता है ये सर्कल के ऊपर हम ये टेंजेंट पे लगाते हैं ये सर्कल के ऊपर जो आपकी वायर होती है वो टेंजेंट होती थी सो दिस इज टेंजेंट टेंजेंट को हम यहाँ पे घुमाते थे सो दिस इज एग्जैक्टली योर एग्जेक्टलीजाम्पल ऑफ रैक एंड पिनियन जो सर ये होती है आपकी वायर दिस वाज रैक गियर दिस वाज कॉल्ड योर पिनियन छोटा वाला गोल गोल रैक एंड पिनियन गियर योयो यो उसमें जो आपका सर्कुलर था वो सर्कल के ऊपर आपकी जो रस्सी थी वो एज अ टेंजेंट नहीं जहां से भी वो फ्री होता था दिस वाज योर टेंजेंट यहाँ पे भी आपका हो गया टेंजेंट तो ये सभी जगह आपके टेंजेंट फिर आपने सारी मूवीज में देखा होगा या अगर आपके साथ आ, आ, आप कभी कोई गांव में गए हो तो हैव यू सीन वेल राइट पानी का कुआ एवरी वन जब आप पढ़ाई नहीं करते हो तो मम्मी आपको धमकाती होगी जा तुझे वहीं डाल के जाके फेंक के आऊंगी शायद है ना तू तो बेकार है निकम्मा है परिवार का खानदान का नाम डुबाएगा, अपने बड़े भाई से कुछ सीख बड़े बहन से कुछ सीख हम्म ये सब साइकोलॉजी आप कोई भी लैंग्वेज में जाओ सेम ही बोलते हैं नेक्स्ट जब आप मई पापा बनोगे तब भी सेम ही बोलोगे शायद आपके बच्चे जब मुझे मिलेंगे तो मैं बोलूंगा आपके मई पापा को मैं पढ़ाता था ना तो उनके मई पापा भी यही बोलते थे बहुत दूर की बात है लेट अस सी तो uh, मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपका वेल हो गया एंड दिस इज योर पुली वहां पे यूज होता था आपका पुली एंड पुली के ऊपर ऐसे रोप एंड इधर रोप एम आई राइट एंड इधर से आप बाल्टी बांध के अंदर डाल सकते हो या मूवीज में आपने देखा होगा So, यहां पे जो आपका पुली के ऊपर रोप होता है दिस रोप एंड दिस पुली दिस रोप इज ऑल्सो ऑन टेंजन टू पुली आर यू गेटिंग माई पॉइंट यहाँ पे भी आपका टेंजन वाला पूरा यूज होता है मैं पहले आपको सारी एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ आपका कहां पे यूज होता है एंड इफ यू सी ऑल दिस थिंग्स इन डिफरेंट कंपनीज तो डिफरेंट कंपनीज में अलग अलग जगह पे यूज होते हैं एज फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी कंपनीज में आपकी जेएसडब्ल्यू में भी पूरे बेल्ट कन्वेयर्स होते हैं आपको पता है यहाँ आपके एक माइंड से पूरा यहाँ पे पूरे आ, सबसे बड़ा बेल्ट कन्वेयर है इन Are you knowing that, everyone? Okay. कन्वेयर में क्या डब्ल्यू आर यू ये पूरा बेल्ट होता है यस एशिया लॉन्गेस्ट राइट सो दिस इज योर बेल्ट अब वो आ, बेल्ट कन्वेयर में क्या होता है यहाँ पे रोलर्स होते हैं राइट right. ये सारे आपके रोलर्स हो गए यहाँ पे भी आपके होते हैं रोलर्स ओके okay. अब ये रोलर्स आप मशीन से या मोटर से गोल गोल घूमते रहते हैं तो जैसे ही आपकी बेल्ट uh, घूमते हैं उसके ऊपर का बेल्ट पूरा ऐसे घूमता रहता है राइट इट विल कम फ्रॉम हियर एंड इट विल गो फ्रॉम हियर ये बेल्ट पूरा ऐसे होता है अप डाउन ये ये आपने जिम में भी देखा होगा जिम में uh, जिसके ऊपर आप चलते हो वट यू टेल दैट दट कॉल दैट मशीन ट्रेडमिल यस ट्रेडमिल आपका ट्रेडमिल हो गया या बेल्ट कन्वेयर हो गया इन सब में आपका पूरा यूज होता है ये टेंजन यहाँ पे भी पूरा आपका कंसेप्ट यूज होता है टेंजन सर हम स्कूल में तो पूरा टेंजन पढ़ के गए पर हमें पता ही नहीं था इतनी सारी जगह पे यूज होता है ओके हाँ वी ऑल्सो हैव दिस प्रॉपर्टी इन जेसीबी व्हील्स जेसीबी व्हील्स देन सर प्लेन में लगेज चढ़ाने के लिए यस yes, यस yes. प्लेन में लगेज चढ़ाने के लिए हाँ वो सब आपको याद होगा मम्मी पापा के साथ जब आप जाते हो हाँ बड़े लोग प्लेन के बिना सफर ही नहीं करते ना सही है हाँ तो वो आपने देखे होंगे कि वहां पे पूरा लगेज रखते हैं वो पूरा जाता है यस लिफ्टिंग एलिवेटर सभी जगह हवा भरने वाला मशीन साइकिल शॉप हाँ हवा भरने वाला मशीन साइकिल शॉप वाह क्या ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स वाह ऑसम क्या ऑब्जर्वेशन है हवा भरने वाला मशीन साइकिल शॉप एग्री वहां ये पूरा सेम आपका बेल्ट कन्वेयर यूज होता है यस लिफ्टिंग एलिवेटर तो ये सारे एप्लीकेशन है आपके टेंजन की जिसके ऊपर आप फ्यूचर में जब आप इंजीनियरिंग करोगे वहां पे और सारी चीजें और डिटेल में पढ़ोगे तो अभी के लिए हम का बेसिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी एप्लीकेशन से क्या आप मुझे टेंशन की डेफिनेशन दे सकते हो ये सब एप्लीकेशन से कोई मुझे कुछ टेंशन की एप्लीकेशन दे सकता है एनी और डेफिनेशन सॉरी एप्लीकेशन तो मैंने दे दी कि हाउ कैन यू डिफाइन टेंजेंट और ठीक है चलो यस अ लाइन बिच टच इज द सर्कल एट वन पॉइंट गॉट इट अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ओके चलो अगर एक सर्कल और लाइन के बीच का रिलेशन देखा जाए कि एक सर्कल और लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पहला रिलेशन हमारे पास ये हो सकता है कि सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे सेकेंड पॉइंट सेकंड जहां पे ये लाइन आपकी बन जाएगी सेकंड इट योर सेकंड टेलमी एंड यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे

यही सेम चीज आप अलग अलग कव पढ़ोगे फ्यूचर में क्लास इलेवेंथ के एंड में एंड वहां टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कव को टच करेगा दैट यू कैन सी एंड वहां पे भी आप अलग अलग टेंजेंट देखोगे यहाँ पे बस आप टेंजेंट पढ़ रहे हो सर्कल का वहाँ पे आप अलग सारी अलग अलग कव के भी पढ़ोगे सो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आई कैन सी लाइन विच इंटरसेक्ट्स और टच सर्कल इन ओनली वन पॉइंट कमान टेलमी येस यस पता चल गया बोलो हां एवरी वन शो सम एनर्जी सर पाथ वेर द पार्टिकल माइट मूव वेन नॉट अंडर एंड अट्रेक्शन टू द सेंटर

इसीलिए अर्थ गोल गोल घूम रही है भाई right. हाँ आया ना हाँ ग्रेविटेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल अलग है सेंट्रीफ्यूगल अलग है समझना सेंट्रीफ्यूगल अभी सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपीटल अलग है ओके okay. जो आपकी फेवरेट गेम आप करते थे कि पत्थर को बांध दिया राइट right? पत्थर को रस्सी से बांध दिया फिर गोल गोल घुमाते हो हाँ या ना टेलमी यस yes. पत्थर को बांध दिया एंड फिर गोल गोल घुमाते हो एंड कभी कभी अगर वो पत्थर अच्छे से नहीं बांधा ढीला हो गया एंड कभी बीच में छूट के वो जाएगा आगे सो एट दैट टाइम ये आपका गोल गोल घूम रहा है से पत्थर छूट के जाता है वो टेंजन पे जाता है दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रीफ्यूगल और कॉल्ड्रीपीटल फ्यूगल सेंट्री पीटल ठीक है वो बात की बात है वो शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा अपने डिटेल में कुछ पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगर के बारे में सेंट्रीफ्यू सेंट्रीफ्यूगल द सेंटर सेंट्री अवे फ्रॉम सेंटर एम आई राइट पढ़े दोनों फोर्स

नहीं फिर तो आजाद हो जाएगा ना वो तो कहीं भी घूम सकता है अभी मान लो तो अभी आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता समझो अभी आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं है अभी मम्मी पापा कुछ नहीं करे तो क्या आप मेरे सामने कैमरा ऑन करके बैठते नहीं आप तो आराम से इधर-उधर भागते रहते हाँ या ना टेल मी सो डेफिनेशन इज हाफ करेक्ट आई कैन सी बट ठीक है चलो ऐसे नए डेफिनेशन बनाते रहो यस आप कुछ बोल रहे थे श्रीकर यू कैन कंटिन्यू ठीक अब नई नई डेफिनेशन हाँ बोलो कुछ नहीं ठीक है वेरी गुड नाउ आई गॉट वन मोर डेफिनेशन फ्रॉम पार्ट इन विच द मूविंग बॉडी इन अर्कल सर्क्यूलर पास वेन सर्टेनली स्टॉप अच्छा ठीक है ये वो पत्थर से बना दिया राइट वाह वाह ग्रेट ठीक है अब बनाते रहो ऐसे नेक्स्ट अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं फिर बेब्लेट से भी बना लो ना बेब्लेट में भी तो यही होता है हाँ या ना चलो, अब इसके ऊपर कुछ कुछ आपके थियरम है कुछ थियरम्स आप सिर्फ एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हो और कुछ थियरम के पर्टिकुलर प्रूफ है वो सारी चीजें देखते हैं सो आर यू रेडी टू सी ऑल दिस थिंग्स यू कैन मी यस बोलो हाँ चलो अब आपको एनसीआर में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं वो एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं और स्किप भी कर सकते हैं बट ठीक है ना, ये एक एक्टिविटी कर सकते हो एक एक्टिविटी को मैं स्किप कर रहा हूँ ये एक एक्टिविटी कर सकते हो क्योंकि वो वाली बहुत डिफिकल्ट है इतना आपके पास भी टाइम नहीं है यू कैन डू दिस एक्टिविटी जस्ट मैंने सी ये आपको सेकंड एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में जहां पे आप सेकंड ड्रॉ कर रहे हो एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो उसको कोई भी एक सेकंड ड्रॉ कर रहे हो कैन यू ड्रॉ एनी सेकंड लाइक दिस स्टूडेंट्स टेल मी

राइट right साइड और उसके लेफ्ट साइड एक एक टेंजन आपको मिल सकता है ओके okay, इधर ऐसे था सपोज आपने ऐसे किया होगा तो उसके लेफ्ट साइड आपको एक टेंजन मिल जाएगा एंड राइट साइड आपको एक टेंजन मिल जाएगा तो बस ये एक एक्टिविटी है विच यू कैन ट्राई फ्रॉम होम इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई एंड अब इसके ऊपर हम किए और हाँ एक जो दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो सारी चीज़ें करते हैं ये आपको एग्जाम्पल दिया गया आपके साइकिल व्हील का राइट right? साइकिल जो आपको चलाना बहुत पसंद है बट लॉकडाउन की वजह से आप नहीं चला रहे हो ना एवरी तो साइकिल में आपको पता है ये सारे आपके स्पोक्स होते हैं एम आई राइट प्लीज गिव मी सम ये सारे स्पोक्स होते हैं जो हर एक सेंटर uh, से ही पास होता है राइट हर एम दिस ऑल आर योर डायमीटर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल चलो साइकिल में कहा पे आपने टेंशन देखा है टल मी क्या हर पहले मुझे ये बताओ ये स्पोक्स ही आपके डायमीटर हो जाएंगे एंड ही आपके रेडियस हो जाएंगे प्लीज गिव मी सम रिस्पांस क्या स्पोक्स आपके रेडियस हो जाएंगे बोलो हाँ ग्रेट yes. तो अब जब ये आपकी साइकिल मूव uh, करती है राइट right? जब आप साइकिल चलाते हो दिस इज योर रोड एवरी so टाइम हर एक स्पोक आपके रोड के पास आएगा एंड चला जाएगा राइट right? पहले ये स्पोक आया ये गया दूसरा स्पोक आएगा जाएगा तीसरा स्पोक आएगा जाएगा एंड जब ये स्पोक आपके रोड के साथ आएगा कैन यू आइडेंटिफाई दिस एंगल बिटवीन दिस स्पोक एंड द रोड कैन आई से दिस कि रोड तो आपके व्हील को एक ही पॉइंट पे टच करेगा एवरीवेयर हा या ना कैन आई से दिस रोड इज नथिंग बट योर टेंजेंट रोड इज टेंजेंट दिस स्पोक इज रेडियस सो कैन आई सी रेडियस एंड टेंशन ऑलवेज परपेंडिक्युलर क्योंकि परपेंडिक्युलर होंगे सो कैन आई सी हियर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंशन दिस इज योर वन ऑफ योर फेवरेट मोस्ट एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल इन योर रियल लाइफ दैट यू कैन सी ओके यू कैन टेल मी येस ग्रेट Yes. What hmm. is Great. Now, let me give you its first theorem. Theorem 10.1. This is same theorem only. Tangent at any point of the circle is perpendicular to its.

चलो so, सर्कल में कितनी रेडियस होती है टेलमी अगर एक सर्कल की आपको सारी रेडियस प्लॉट करनी है कैन यू टेल मी हाउ मेनी रेडाइज यू कैन प्लॉट

यस एज मैनी ऑफ डायामी कोई मुझे बोल रहे हैं एक ही टेंजंट uh, होगा ठीक है कुछ लोग बोल रहे हैं इन्फाइनाइट कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे आपका क्वेश्चन पता नहीं चला ठीक है ठीक है उसको पहले साइड पे रखते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा इस uh, चीजों को और समझते हैं फिर जाते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको समझना है तो एज एग्जाम्पल यहाँ पे यह आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया इज दिस क्लियर एवरी वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली जब आप फिगर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है एंड जब आप रियल एंटिटीज के रिस्पेक्ट में बात करते हो जैसे वो आपका व्हील हो गया रोड हो गया तो वो टाइम पे आपका आपका पुली right? हो गया बेल्ट हो गया चलो सो एट एनी सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका प्रूफ भी आपको देखना है समझना उसके बाद हम वापस ये पॉइंट को डिस्कस करेंगे डेफिनेटली अगर आपके पास रेडियस इनफाइनाइट है तो टेंशन भी इनफाइनाइट ही मिलेंगे हाँ या ना क्योंकि हर एक एक-एक पे आपको एक एक मिलेगा परपेंडिक्युलर टलमी इसके बाद भी हमें आप आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा कि वो परपेंडिक्युलर ठीक है हर एक पॉइंट पे कितने टेंशन मिल सकते हैं इसे लेके हर एक चीज अभी के लिए पहले ये करते हैं चलो पहले ये थ्योरम कैसे प्रूव करना है लेट मी शो यू दैट सपोज दिस इज योर सर्कल विच इज हैविंग इट्स सेंटर एज ओ सपोज मैं सेंटर को o मान रहा हूँ एंड एक और चीज सर्कल के रिस्पेक्ट में हमारी याद करनी रह गई uh, और कौन सी चीज बाकी रहा टेल मी सर्कल का हमने सारा याद कर दिया एक रेडियस टेंजेंट को अगर आप रेडियस सेंटर uh, से अगर आप कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी या मिड पॉइंट को सेंटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो परपेंडिकुलर होगा वो हम क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं प्लीज गिव मी सम समी वन हाँ हाँउट yes. के लिए और दो तीन मिनट बस रुक जाओ विल प्ले कौट क्या ये याद है एवरी ये हम कर चुके हैं राइट right, एंड वो कैसे आप प्रूव करोगे नॉर्मल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ओके तो बस वो याद रहना चाहिए वो काम आएगा इसलिए ओके okay? कि जब हम ये सारी चीजें रिवाइज कर रहे थे उसमें ये दो चीजें रिवाइज करनी रह गई कि अगर आप कोई भी कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो उसको बाइसेक करेगा या फिर वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो वो सेंटर से पास करेगा ओके okay? एंड ये सेंटर से परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइक like दैट चलो सपोज हियर आई एम टेकिंग योर वन पॉइंट टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट पी This is your tangent XY at point P. So XY is tangent at point P of or to a circle. ंगल oh. yes, उसकी जरूरत भी पड़ सकती है सो वी हैडिकुलर टू एक्स वाई चलो कैसे प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स टेल मी इसका प्रूफ थियोरेटिकल ज्यादा है इसके प्रूफ में आपको मैथमेटिकल काम इतना नहीं है बट थियोरेटिकल ज्यादा है तो समझना इसके प्रूफ में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी इनिशियली आपको कोई भी क्यू पॉइंट लेना है विच इज ऑन द लाइन एक्स वाई एंड यू हैव टू कनेक्ट ओ क्यू ओके सो लेट क्यू बी

ओके एंड ओपी विल बी ऑर इक्वल ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल श्योर ग्रेटर देन कांट से ओके ग्रेटर देन समझना अब यहाँ पे कुछ चीजें समझो ठीक है मैं आपको दो केस दे रहा हूं ठीक है चलो ये आपका मान लो एक्स वाई लाइन यहाँ पे है ओके दिस इज योर एक्स वाई ओके दिस इज योर ओ ओपी क्या है ओपी इज रेडियस और नॉट टेलमी अब क्या होगा ये केस में ओ क्यू आपका ओपी से बड़ा होगा कि कम होगा वेरी गुड ओपी इज लेस देन ओ क्यू यस वन ऑज दलिंग ओ क्यू इज हाइपोटेनियस हा बट वो नाइनटी डिग्री हमें प्रूफ करना है अभी हमने प्रूफ नहीं किया है यस तो दोम द थिंग इज वेन एक्स वाई इज योर सेकंड आई कैन से when xy is second at that time i can say that oq will be less than op sorry oq will be less than op right because here q is your inside part of circle but since here xy is tangent q is in the outside part of circle can i say oq is greater than op here everyone okay since उट साइड सर्कल तो आपके सर्कल का पॉइंट है सर्कल आई कैन सेन ओपी आपका OQ, OP से greater than हो क्या? क्या वही सेम चीज मैं हर एक क्यू पॉइंट के लिए बोल सकता हूं सपोज ये आपका क्यू है वैसा हर एक पॉइंट में लाइन पे कोई भी ले लू क्या लाइन के हर एक पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूँ उसका डिस्टेंस ओपी से ज्यादा ही होगा एवरी वन So here for all points on Line XY and other than P, OQ will be greater than OP. So can I say OP is shortest distance एक्सवाई लाइन का पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा यू कैन टेल मी यस दिस इज योर एक्स वाई लाइन एंड ये ओपी उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा कैन आई से दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एक्सवाई लाइन फ्रॉम पॉइंट टू यस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप कोई भी लाइन का एक पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मी सो दर फॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई स्प्रोट क्योंकि एक लाइन का एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर होगा इज दिस क्लियर ओके सो बस यही थियरी आज पढ़नी थी मेन आपका ये थियरम था टेंजन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चला वेल एंड गुड एंड दो रूल मैं बस फाइनल आपको दे रहा हूँ उसके बाद हम काहूट खेलेंगे विल बी काहूट ऑन चैप्टर नाइन सो so, दो रिमार्क्स बस आपको नोट डाउन करने हैं, फार्मूला बुक अच्छे से बनाते रहो तो ही आपको काम आएगा क्योंकि सी बी एस ई ने जो पेपर पैटर्न बनाई है इट इज नॉट गुड इट इज डिफिकल्ट ओके स्टडी वाले क्वेश्चन तो उसके लिए ये पहले आपको पूरा स्ट्रांग करना पड़ेगा

सेम पे इंफाइन टेंजन बट हर एक पॉइंट पे टेंजेंट आपका कौन सा होगा वन एंड ओनली वन एंड द लाइन कॉन्टेन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो समाइम टू द सर्कल एट अ पॉइंट सो ये आपके नॉर्मल की डेफिनेशन है ये आपके टेंजेंट हो गया दिस इज योर रेडियस एंड जो आप रेडियस को कंटेनिंग लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो रेडियस को कंटेन करे दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल So okay? so यही होगा फॉर्मुला बुक में ये सारी चीजें लिख uh, तो 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 लिखने की जरूरत नहीं है रेगुलर बुक में टेन पॉइंट वन आपको ट्राई करना है so इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क में जो डाउट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इज दिस क्लियर ओके एक्सप्लेन सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट योर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल जो आपको क्लास इलेवंथ में ज्यादा काम आएगा उसके बाद क्लास जी सो द लाइन कंटेनिंग द रेडियस ये आपको पता है रेडियस राइट नॉर्म रेडियस को कंटेन करे मैं ऐसी ड्रॉ कर रहा हूँ कैन आई ड्रॉ वन लाइन विच कंटेन रेडियस सो दाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो समाइम्स कॉल्ड एज नॉर्मल टू द सर्कल नॉर्मल कुछ अलग नहीं है जस्ट आप टेंजन को परपेटिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो विच इज नॉर्मल एंड सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से पास करेगा क्योंकि वो रेडियस को कंटेन करेगा एंड रेडियस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई वांट राइट मोर कैमरास टू बी ऑन स्टूडेंट्स ज्यादा मुझे ऑन चाहिए इतना नहीं चलेगा दिस इज वेरी लो ओके नाउ बी रेडी विथ योर काहू टैप स्टूडेंट्स क्विकली क्विकली बी रेडी विथ योर काहू टैप एवरी